आयोजक है। रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। मध्य प्रदेश में हॉर्स ट्रेडिंग, एमपी बीजेपी पर आरोप, 25 से 35 करोड़ की बोली, कांग्रेस विधायकों की बीजेपी ने लगाई कीमत, दिल्ली में बैठकर दिग्गी के बीजेपी पर गंभीर आरोप। दिग्विजय के आरोपों के बाद प्रदेश की सियासत गर्माई। सर्दी के बाद मौसम की गर्माहट अभी पूरी तरह बदली भी नहीं थी, ऐसे में पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने एक बड़ा बयान देकर एमपी की सियासत को गर्मा दिया है। दिग्विजय सिंह ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एमपी बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी उनकी पार्टी के विधायकों को खरीद कर उनकी सरकार को अस्थिर करना चाहती है। कीमत रखी है 25 से 35 करोड़ रुपए। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान, नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव और पूर्व मंत्री व बीजेपी के सचिन तेंदुलकर कहे जाने वाले नरोत्तम मिश्रा इस डील के मुख्य किरदार बताए हैं। साथ ही ये भी कहा कि बीजेपी वालों जरा सुन लो, ये कर्नाटक नहीं, ये एमपी है। आपकी चाल में कांग्रेस का कोई विधायक फंसने वाला नहीं है। इसके साथ ही कहा, जो कह रहा हूँ वो पूरी प्रमाणिकता के साथ। एक मुख्यमंत्री दूसरा उप मुख्यमंत्री उसी तरह से है जैसे मुंगेरी लाल जी के सपने हैं, और दोनों मिलकर कांग्रेस के विधायकों को फोन कर रहे हैं, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और जनता के सामने इन सबको खड़ा किया जाएगा। मैं उनसे इतना ही कहूंगा, इन हरकतों से बाज आए, 5 साल तक के लिए विपक्ष में बैठे और फिर हम मैदान में आएंगे, तब देखेंगे। अभी दिग्गी अपनी पूरी पीसी निपटा ही नहीं पाए थे कि बीजेपी की पूरी कोर टीम तैयार हो गई पलटवार के लिए। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दिग्विजय सिंह को झूठ फैलाने का महारथी कहा, तो नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने कहा कि ये चुने हुए जनप्रतिनिधियों का अपमान है, ये मध्य प्रदेश की संस्कृति नहीं रही। दिग्विजय सिंह के पास कोई सबूत हो तो सामने लाए। वही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का कहना है कि उनके पास आज कोई इशू ही नहीं था बोलने के लिए। सिंह जी के पास शायद आज कोई ऐसा इशू नहीं मिला होगा जिससे कोई दंगा भड़क जाए, कोई देश घातक बातें वो करें, शायद वो भूल गए होंगे या कहीं से मिली नहीं होगी, तो इसलिए वो इस प्रकार के अनर्गल आरोप लगाने का प्रयास वो हमेशा करते रहे हैं, और ये आरोप भी इसी प्रकार से लगाने का प्रयास उन्होंने किया। कहीं तो चाहिए ना काम, प्रेशर बना रहे होंगे कमलनाथ। मेरे पे आरोप वो पहले भी लगा चुके हैं, उस समय उन्होंने कही थी वो शिवपुर वाले और कौन कौन से विधायकों से मैं कौन से ढाबे पे मिला था, तो वो प्रमाण नहीं दे पाए थे। ऐसे 2-3 बार लगा चुके हैं, कभी चाहते हैं वो कि मैं UOW में आ जाऊं, फंस जाऊं, आ जाऊं मतलब, कभी मेरे मित्रों को जेल भेजते हैं, कभी मेरे स्टाफ को भेजते हैं। नरोत्तम फोबिया से ग्रस्त हैं, एक वजह से प्रेशर टैक्टिस है। कमलनाथ जी तो हाउस में बोली चुके हैं कि वो दबाव में काम करते हैं, कोई काम कराना होगा कराते रहते हैं, दोनों भाई करते रहते हैं। इसके अलावा समाजवादी विचारक रघु ठाकुर का कहना है कि दिग्विजय सिंह जो बात कहते हैं सबूतों के आधार पर कहते हैं। देखिए, दिग्विजय सिंह जी एक जिम्मेवार राजनेता हैं, 10 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, राज्यसभा के मेंबर भी हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो बातें उन्होंने कही हैं उनके पास कोई उनके प्रमाण होंगे, और मैं उनसे अपील करूंगा वो प्रमाणों के साथ सामने आ जाएं। ये पहला मौका नहीं है जब प्रदेश में हॉर्स ट्रेडिंग को लेकर राजनीति गरमाई हो, इससे पहले भी ऐसा हुआ है, लेकिन इस बार सामने दिग्विजय सिंह जैसा नेता है। दिग्विजय सिंह के बीजेपी पर गंभीर आरोपों ने प्रदेश की सियासत को गर्मा तो दिया है, लेकिन बात यही खत्म नहीं होती, इसके कई मायने भी निकाले जा रहे हैं कि आखिर दिग्गी के पास कौन सा ऐसा इनपुट या सबूत है जिनको वो पूरी प्रमाणिकता के साथ बीजेपी को चुनौती दे रहे हैं, या फिर इस बयान के कुछ और मायने हैं।
ये देखना अभी बाकी है। न्यूज बर्ल्ड डेस्क। नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी और आज की बात में आपका स्वागत है। आज का मुद्दा है मध्य प्रदेश में हॉर्स ट्रेडिंग। आपको याद होगा जब मध्य प्रदेश में सरकार बनी कांग्रेस की, उसके बाद लगातार इस तरह की बातें चलती रही है। बल्कि सरकार बनने से पहले भी इस तरह के आरोप प्रत्यारोप का दौर चला था, लेकिन इस बार दिग्विजय सिंह बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सामने आए और उन्होंने जो आरोप लगाए हैं, तो दिग्विजय के बारे में यह भी कहा जाता है कि यदि वो कोई आरोप लगाते हैं तो पहले साक्ष्य और सबूत जुटा लेते हैं। तो क्या माना जाए, क्या वास्तव में हॉर्स ट्रेडिंग की कोशिश हो रही है? जिस तरह से उन्होंने नाम लिया पूर्व मुख्यमंत्री और मंत्री जी का, पूर्व मंत्री का, तो सीधे तौर पर यह कहा कि 25 से 35 करोड़ में हमारे विधायकों को खरीदना चाहते हैं। लेकिन जैसे ही उन्होंने कहा है, उसके बाद से राजनीति गर्मा गई। गर्माना भी है क्योंकि आने वाले दिनों में विधानसभा का सत्र होना है, राज्यसभा को लेकर तैयारियां दोनों दलों ने शुरू कर दी है और उपचुनाव की तैयारियां भी शुरू हो गई। लेकिन इस बीच फिर एक बार हॉर्स ट्रेडिंग का जिन बाहर आ गया। यही हमारा आज का मुद्दा है। दो मेहमान मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं स्टूडियो से। मोहन यादव जी हैं, विधायक उज्जैन दक्षिण के और भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता। साथ ही मेरे साथ शहरयार खान साहब जुड़ रहे हैं, मध्यप्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता। आप दोनों का स्वागत है। और फोन लाइन पर मेरे साथ रहेंगे शिव अनुराग पटेरिया जी, वरिष्ठ पत्रकार। पहले पटेरिया जी से बात कर लेता हूँ। पटेरिया जी, इस तरह के आरोप प्रत्यारोप पहले भी लगते रहे हैं, हॉर्स ट्रेडिंग की बात कही जाती रही है, लेकिन दिग्विजय सिंह की बातों में कितनी सच्चाई लगती है? देखिए, जब संख्या बल के आधार पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में बहुत अंतर नहीं हो और दूसरी सीट जीतने का, जैसे कुछ लोग तीसरी सीट कहते हैं, जीतने का दबाव हो, तो निश्चित तौर पर ऐसे हथकंडे अख्तियार किए जाते हैं। मध्यप्रदेश में कुछ नया नहीं है। विवेक तन्खा इस बार जो राज्यसभा बने हैं, उसके पहले जब राज्यसभा के लिए मैदान में थे तो किशोर समरीते को खरीदने की कोशिश की गई थी। सही थी, गलत थी, मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन कुछ 25-30 लाख रुपए जब्त भी हुए थे। और अंदर खाने ये बातें हमेशा होती रही हैं कि कुछ ना कुछ पक जरूर रहा है। अंग्रेजी में से कहें, समथिंग इज कुकिंग, कुछ ना कुछ पक रहा है जिसकी गंध बाहर आ रही है। मुझे लगता है कि इस बार राज्यसभा के चुनाव में मध्य प्रदेश में गांधी जी का चलन बहुत होगा, महात्मा गांधी का सम्मान लोग बहुत करते हुए नजर आएंगे। जी जी जी, चलिए, आपने गांधी की बात कह दी है और यहाँ बात दिग्विजय सिंह भी गांधी की कर रहे हैं, लेकिन कितनी तादाद में होंगे, 25 करोड़ होंगे कि 35 करोड़, ये एक अलग मुद्दा होगा। पर गांधी जी की बात करना, गांधी जी के पचिन्नों पर चलना अलग मुद्दा है, पर जब गांधी दूसरे तरह से गांधी जी का नाम लिया जाता तो वो एक अलग मुद्दा है, जैसा पटेरिया साहब कह रहे हैं। शहरयार खान साहब, कितनी सच्चाई है इसमें और क्या मान रहे हैं, क्या वास्तव में ऐसा कुछ है? बीते कुछ दिनों से हम देख रहे हैं राजनीति बदली है, छत्तीसगढ़ में छापे भी डले हैं, लगातार आप लोग आरोप लगाते रहे, अब मध्य प्रदेश में इस तरह का प्रयास किया जा रहा है जैसा दिग्विजय सिंह ने कहा है, तो क्या मान लिया जाए, क्या आरोप सही है या सबूत और साक्ष्य जुटाने के बाद इस तरह का आरोप लगाया गया? देखिए मनोज जी, बात निकली है तो दूर तक जाएगी। भाजपा के जिन नेताओं पर दिग्विजय सिंह जी ने आरोप लगाया है, उनका चाल चरित चेहरा इस टाइप की हॉर्स ट्रेडिंग में पहले भी नाम आए हैं। ये नरोत्तम मिश्रा हों या पूर्व मंत्री विश्वास सारंग हों या शिवराज जी हों, गोपाल भार्गव हों, कभी दिवाली के बाद, कभी दिवाली से पहले, कभी बीच चुनाव में, इतना सत्ता की मलाई के लिए लालयित हैं कि एन के एन प्रकरण कैसे भी, चाहे विधायकों को खरीदें, चाहे तोड़ें, चाहे जनमत का हम अपहरण करें, वो कैसे भी अपनी सरकार बनाने को आतुर हैं। लेकिन बिल्कुल मैं उस बात का समर्थन दिग्विजय सिंह जी की करता हूं कि ये मध्य प्रदेश है, ये कर्नाटका या गोवा नहीं है जहां पर आपने ये दूषित खेल खेला था। मध्य प्रदेश का विधायक कांग्रेस का कोई बिकाऊ नहीं है, ये सुन लें और 5 साल विपक्ष की भूमिका निभाएं। 1.25 साल आपने गुजार दिया इन्हीं लफाजियों में। कभी हमारे केंद्र के अध्यक्ष और प्रधानमंत्री बोलेंगे तो हम 24 घंटे में सरकार गिरा देंगे। ये नेता प्रतिपक्ष ने सदन के अंदर ये बात बोली थी, तो उन नेता प्रतिपक्ष हों या नरोत्तम जी हों या शिवराज जी हों, तो उनको मध्य प्रदेश में जनता ने जो विपक्ष में बिठाया है, वो विपक्ष की भूमिका निभाएं। मध्य प्रदेश के हिस्से की जो 14,000 करोड़ राशि बजट की, चलिए मैं लौटता हूं आपसे, मनोज जी, केंद्र ने काटी है, उस पे अगर ये लोग मोदी सरकार के सामने जाके बात रखते तो मध्य प्रदेश की 7.25 करोड़ जनता को अपने मई में दिए हुए मत पे अफसोस नहीं होता जो आज उनको हो रहा है।
ठीक है, आपने कहा और जैसा आपका कहना है। मोहन यादव जी, आप लगातार विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी की, आप भी एक विधायक हैं, तो क्या कहा जाए? क्या इस तरह की हॉर्स ट्रेडिंग का खेल अभी भी आप लोग को लग रहा है कि बिल्ली के भाग्य से चीका टूट जाएगा? देखिए, ये कांग्रेस के अंदर के कलह हैं जो अलग अलग रूप में दिखाई दे रहे हैं। आज से दो दिन पहले इंदौर में एक वरिष्ठ मंत्री ने कहा कि हम भाजपा के विधायकों को कांग्रेस में ला रहे हैं। आज मुख्यमंत्री पूर्व खुद कह रहे हैं कि भाजपा हमारे विधायकों को खरीद रही है। अब ये इसमें से दोनों में सही कौन है? एक राजनीति ये भी कह रही है कि शायद ये दिग्विजय सिंह जी और जो इंदौर के मंत्री उनकी बनती नहीं है, उसको नीचा दिखाने के लिए ये षड्यंत्र हुआ है। एक ये भी कांग्रेस की तरफ से अंदर से बात आ रही कि इनडायरेक्ट माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी को राज्यसभा कांग्रेस नहीं दे रही है, इसलिए दबाव बनाने का तरीका उनने दिल्ली में ये अख्तियार किया है। ये सारा तमाशा वो अपने अंदर की पॉलिटिक्स के कारण कर रहे हैं। लेकिन मेरा निवेदन जरूर भाजपा के विधायक होने के नाते से हाथ जोड़ करके है जी, आपको मौका मिला है सरकार चलाने का, प्रदेश में आपने सरकार बनी, जितने आपने वचन दिए थे 10 दिन के अंदर वो पूरे करने वाले थे, आज 1.25 साल तक आप पूरे नहीं कर पाए हैं। आपके झगड़े कितने भी हो लेकिन प्रदेश की इज्जत मत दांव पर लगाइए। आप सारे जिस प्रकार से सदन को एक तरह से आप उनकी इज्जत तार तार कर रहे हैं, कृपया करके कांग्रेस के इंटरनल मामलों को इंटरनल तरीके से निपटा लें, लेकिन पब्लिकली ढंग से ला रहे हैं, इसका असर कांग्रेस के ऊपर भी खराब पड़ रहा है, प्रदेश के ऊपर भी खराब पड़ रहा है, पूरे ब्यूरोक्रेट्स से लेकर पूरा देश मजा ले रहा है। हाथ जोड़ के निवेदन है कम से कम इस बातों से बचे अपने। लेकिन चर्चा तो मोहन जी ऐसी भी है कि शिवराज जी को भी झंडी मिल गई है, नरोत्तम मिश्रा जी भी नाम सामने आ रहा है, जैसा उन्होंने कहा कि इस तरह के आरोप मेरे ऊपर लगते रहते हैं, नरोत्तम जी ने हालांकि कहा, लेकिन क्या इस तरह कुछ चल रहा है भारतीय जनता पार्टी में, क्योंकि कप्तान तो बदला है मध्य प्रदेश का? मनोज जी आप ये देखिए, कांग्रेस की सरकार को चलाने का पूरा मौका दिया गया है, कांग्रेस के मंत्री अधिकारियों के पांव पड़ रहा सार्वजनिक रूप से दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कह रहे हम सड़कों पर उतरेंगे, कांग्रेस के वरिष्ठ मंत्री कह रहे हैं कि ये ब्यूरोक्रेट्स बन गया अधिकारियों का, एक किचन कैबिनेट बन गई, ये कौन बीजेपी बोल रही है? ये तो कांग्रेस ही बोल रही ना। मैं बार बार आपकी तरफ बता रहा हूँ कि तीन ध्रुव है कांग्रेस के, सिंधिया जी, दिग्विजय सिंह जी, कमलनाथ जी, कौन किसको नीचे दिखा रहा समझ में ही नहीं आ रहा। सरकार को जो काम करना चाहिए उसको छोड़ के सरकार सब काम कर रही, ये सरकार को चलाने के लिए इनके लोगों तो कहीं कहीं एक साथ ले आए जी, ये क्यों आपस में इस ढंग का बयान दे रहे हैं, इनको कौन कह रहा बयान देने के लिए? हम तो ये दूर से देख रहे हैं कि भाई आपने जनता के प्रति वचन दिए थे कि आप निभाएं, हम मौका दे रहे हैं आपको, अगर आप नहीं निभा रहे हो, आप अपने अंदर की कलह को अगर इस ढंग से ला रहे हो तो जनता तो क्या करेगी? चलिए कलह जी जी, कलह किसके अंदर चल रही, कलह की चर्चा तो दोनों जगह होती। पंकज पाठक जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं और शिव अनुराग पटेजा जी मेरे साथ जुड़े थे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप मेरे साथ जुड़े और आपने जो कहा बिल्कुल उस बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा। और पंकज पाठक जी क्या कहेंगे, जिस तरह से यहाँ देखा जा रहा है, दिग्विजय सिंह जी ने एक बार फिर आरोप लगा दिए कि 25 से 35 करोड़ में विधायकों को खरीदने की कोशिश की जा रही है, फोन किए जा रहे हैं, और दिग्विजय के बारे में ये भी कहा जाता है कि उनके पास सबूत और साक्ष्य होते हैं जब भी वो इस तरह के आरोप लगाते हैं, क्या इसमें राज्यसभा का चुनाव देख लिया जाए या उपचुनाव देख लिया जाए या आने वाले दिनों में विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है उससे पहले एक नई राजनीति देख ली जाए, क्या कहेंगे? देखिए, अब एक कांग्रेस के मंत्री और कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री, इन दोनों के बयानों में पूर्वा विरोधाभास तो सामने आया ही है, तो पहले तो ये तय हो जाए कि मतलब कांग्रेस को लोग छोड़ रहे हैं कि कांग्रेस में लोग आ रहे हैं, ये कुछ समझ। मैं आज सुबह नरोत्तम मिश्रा जी के निवास पे था जी, और वहाँ जो एक उनमें मुझे एक स्फूर्ति दिखी, शीघ्रता दिखी, जल्दबाजी दिखी, तो उन्होंने कहा कि बताए कि वो जा रहे हैं वहाँ पे विधायक दल की, संभागीय विधायक दल की एक बैठक है, विधायकों की, अध्यक्ष भी आ रहे हैं, तो उसमें उनको जाने की वहाँ जल्दी में थे, तो उससे ऐसा लगा कि कुछ सरगर्मी तो है भारतीय जनता पार्टी में भी, तो अब राजनीति में सरगर्मी तो रहेगी जी, और फिर अभी विधानसभा का सत्र आ रहा है तो जरूर निश्चित रूप से घेराबंदी तो होगी, लेकिन हाँ ये बात ज़रूर है कि कुछ न कुछ गतिविधियाँ चल रही हैं, वो क्या चल रही हैं, कांग्रेस से लोग जा रहे हैं या कांग्रेस में आ रहे हैं, क्या है अभी तो मुझे इसमें कोई सच्चाई नज़र नहीं आती है, ना कोई आ रहा है ना कोई जा रहा है। हाँ इतना ज़रूर है कि जौरा और आगर मालवा विधानसभा क्षेत्र की तैयारी की में सभी व्यस्त हैं और उसकी चिंता सभी को है, इसकी राज्यसभा की नहीं है, क्योंकि राज्यसभा में तो एक वो तो वो इलेक्शन ज़रूर है राज्यसभा का, लेकिन वो एक तरह से नॉमिनेशन ही जैसा है, वो जी वहाँ तो किसी को बिठा दिया जाएगा,
गणेश स्थापना होनी है वहाँ, तो मुझको ऐसा लग रहा है गणेश स्थापना का तो सवाल है कि गणेश स्थापना होगी किसकी, क्योंकि चाहने वाले बहुत है। जी हाँ, नहीं उसमें वो मामला तो ऐसा है कि सुलझ सकता था, लेकिन उसमें राजनीति ऐसे हुई कि जब ज्योतिरादित्य सिंधिया उनका जो प्रियंका गांधी का नाम जब ले दिया गया तो उससे ये लगा कि शायद या तो ये है कि दिग्विजय खेमे को कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है या ज्योतिरादित्य खेमे कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन दुनिया जानती है कि दिग्विजय सिंह बड़े प्लेयर हैं जी, वो इतनी आसानी से अपनी गोटियों को कमजोर तरीके से चलेंगे। हाँ, एक संन्यास वाली गलती जरूर उनसे हो गई थी, एक ऐतिहासिक गलती, लेकिन उसके बाद जो उन्होंने और भी गलती नहीं हुई थी, उन्होंने समझ लिया था कि 10 साल तक हमें संन्यास करना है, और उन्होंने देखिए आप बहुत वो कोई गलती कहीं नहीं करते, दिग्विजय सिंह के बारे में कहा जाता है। हाँ, मतलब पार्टी हार रही थी तो संन्यास ले लेना ज्यादा अच्छा है। जी नहीं, अब ठीक है उन्होंने। हाँ बताइए शहरयार जी, आप कुछ कह रहे हैं, कहिएगा अपनी बात कही। चलिए, मैं पाठक जी की बात को सुना और बहुत वरिष्ठ हैं हमारे पाठक जी। अगर दिग्विजय सिंह की वो 2003 में गलती थी तो शायद 2004 में हमारे केंद्र में सरकार बन गई थी तो वो केंद्र में राज्यसभा से जाके मंत्री बन जाते, लेकिन हमारे नेता, हमारे पार्टी का चरित्र अपनी बात पे अड़िग रहने का है, और उन्होंने जो चुनाव हारने के बाद सोनिया जी के सामने जो प्रस्ताव रखा था उसमें अपने को राजनीति, चुनावी राजनीति से 10 साल बाहर रखने का रखा था, और उन्होंने पूरा निभाया। रही बात अब भाजपा के चरित्र की, तो भाजपा के नेताओं को अगर सपने में भी रात में ये दिखता है कि कल हम सरकार बनाने की स्थिति में हैं, तो जो पाठक जी बोल रहे थे उनमें बड़ी चुस्ती फुर्ती और कपड़ों का कलर और प्रेस का टाइट हो जाती है कि हम दिवाली के बाद शपथ लेने जा रहे हैं, और या हमारे केंद्र की जोड़ी जो गृह मंत्री और प्रधानमंत्री हैं वो लोकतंत्र का हनन करने के मास्टर खिलाड़ी हैं, उनसे आदेश मिल जाए तो हम मध्य प्रदेश में फिर से सत्तासीन हो जाए और मध्य प्रदेश की बची हुई लूट को करके अपने सत्ता की भूख को मिटा सके। लेकिन ये भूल जाएं ये भाजपा के नेता, 2023 तक जब तक चुनावी बेला नहीं आती आपके लिए मध्य प्रदेश में दूर दूर तक कोई संभावनाएं नहीं है, किंतु परंतु नहीं है, क्योंकि मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार है। बात क्यों आ रही 25 से 25 करोड़ की जो बात कही जा रही है, बिल्कुल कहीं ऐसा लग रहा है कि सुरक्षा बढ़ाना पड़ेगा अपने विधायकों की। देखिए मनोज जी, जिसका जो सब चाल चरित्र चेहरा होती है वो सोच होती है, निश्चित ही उसको ध्यान में रख के अगर हमारे विधायकों के पास कोई अप्रोच हो रहा है तो दिग्विजय सिंह जी ने बड़ी गंभीरता के साथ उस बात को रखा है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रखा है। सिर्फ ये कोई जुमलेबाजी या जो भाजपा के नेताओं का चरित्र है कि बीच चुनाव में बोलते हैं कि दिवाली बाद शिवराज जी शपथ लेंगे और इंदौर आते आते मैं आपके बीच नहीं बोला था, अगर डिबेट को डिबेट की तरह रखना है तो रखिए, नहीं तो आप डिबेट नहीं पाएंगे मेरे सामने, डिबेट डिबेट की तरह नहीं बोल पाएंगे, कहिए। अरे चले ये तुम्हारी तानाशाही चले गई है, मत पढ़ो। अरे बीजेपी को वाली पकड़, मैं तो आप बोलोगे मैं क्या बोलूंगा, ये आते करोगे मेरे गैंग में? नहीं 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 नहीं, अरे ये बहुत बहुत अच्छी डिबेट हो रही है शहर यार जी, मोहन जी चरित्र चल रहा है, चरित्र सामने आपका चरित्र चलिए शहरयार जी, मोहन जी शहरयार, चलिए ठीक है। अरे आप अपनी बात पूरी कीजिए, आप अपनी बात पूरी कीजिए, गंभीर मुद्दा है शहरयार जी। नहीं नहीं नहीं, चलिए मेरा शहरयार जी, मेरा एक सवाल कर शहरयार जी, शहरयार मेरा एक सवाल, प्लीज प्लीज मोहन जी प्लीज, अरे सुनिए ना सुनिए, चलिए चलिए ये नहीं प्लीज, चलिए मैं पाठक जी के पास चलता, आप दोनों लोग मोहन जी शहरयार जी, मोहन जी अरे आप दोनों बहुत वरिष्ठ शहरयार जी, आप बहुत वरिष्ठ है, अरे अपना काम करो, अपनी अपनी बात करो, कांग्रेस की बात करो, कांग्रेस ठीक है, सवाल का जवाब दे दीजिए, सवाल का जवाब पाठक जी, पाठक चलिए एक मिनट, एक अपनी बात कहे, कांग्रेस की बात कहे, बीजेपी को गाली दे हम सुनेंगे, असली बैठेगा जो चलिए मेरे एक सवाल का जवाब दे दी, मेरे एक सवाल, चलिए शहरयार जी अपनी बात कहो, आपको जो कहना अपने आप को कहो, लेकिन अगर किसी को बीजेपी
को बोला तो यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, बर्दाश्त नहीं कर सकते। चार निर्णय लेना पड़ेगा बीजेपी को गाली देने के लिए आपको, ये समझ लीजिए। मोहन यादव बैठाया नहीं नहीं नहीं, अरे ये आप कहाँ ले गए आप पाठक जी, चलिए चलिए आप दोनों से प्लीज प्लीज, अरे आप शांति रखिए, आप शांति रखिए मोहन जी, अरे चलिए आप दोनों दोनों पाठक जी जवाब दीजिए, चलिए मेरा सवाल पाठक जी, मेरा सवाल पाठक, आप दोनों से शांत प्लीज, अरे नहीं ना पाठक जी, हो गया हो गया, ऐसी बातें नहीं होना चाहिए ना, दोनों दोनों लोग आप समझिए, ये नहीं कांग्रेस के हमारे ऐसे लोगों के साथ नहीं नहीं हमको नहीं पड़ेगा, नहीं नहीं ये तो गलत बात हो जाएगी, नहीं 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 इस तरह उनको बुलाएगा, नहीं नहीं नहीं, एक 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 मिनट एक मिनट, शहरयार जी समझिए, मोहन जी हो गया, चलिए अब हो गया ठीक है, प्लीज प्लीज शांति बनाए मोहन जी, मेरा आपसे एक सवाल, एक मिनट शहरयार जी, अब एक मिनट पाठक जी, ये जो जिस तरह हालांकि चलता रहता है ये सब, पर जब बात खरीद फरोख्त की आती है इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगते हैं तो ये सब देखने को मिलता, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि वर्तमान की जो राजनीति है जिस तरह से मध्य प्रदेश के अंदर देखा जा रहा है, हमने कहा राज्यसभा की आपसे बात कर रहे थे, क्या ये सब देखने को मिलेगा, ये जो सिलसिला खरीद फरोख्त की बात कही जा रही है, जैसा मैं कह रहा हूँ सबूत और साक्ष्य के बाद ही कहा होगा, तो क्या ऐसी चीजें चुनाव है और उसके बाद अगर फिर कुछ है तो वो जौरा और विधानसभा के चुनाव है, और अभी तो विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है, लोकसभा का सत्र बजट का जो है वापस प्रारंभ हो चुका है, तो मुझको लग रहा है कि ये सारी चीज़ें अभी दल बदल या सरकार गिराने की तो बिल्कुल ही नहीं है, और अभी ये जो नेता बयान दे रहे हैं ये खुद भी जानते हैं कि सरकार की जो चाबी है वो किसके हाथ में इस वक्त जी, मतलब ये सारी चीज़ें हम लोग पिछले दो साल डेढ़ साल में बहुत डिस्कस कर चुके हैं, बहुत चर्चाएँ इस पर हो चुकी हैं, लेकिन अभी महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि क्या वास्तव में जो स्थिति सरकार की राजनीतिक स्थिति बनी हुई है देव प्रदेश की जी, उसमें जी, उसमें अभी सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि किसानों की समस्याओं का मुद्दा उठाना चाहिए, क्योंकि अभी पानी गिरा है, ओले गिरे हैं और किसान जो है वापस परेशानी की स्थिति, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल आप सही मोहन जी, ये जो जब हॉर्स शेडिंग की बात आती है तो आरोप लगना लाजमी है, देखिए हमने कर्नाटका में देखा है, गोवा में देखा, हालांकि आप लोग ने कैसे सरकार बनाई मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं किस तरह का आरोप जी 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 कहा कि दो दिन पहले कांग्रेस के ही एक वरिष्ठ मंत्री ने इस बात को कहा कि बीजेपी के विधायक हमारे पास आ रहे हैं जी, और आज कांग्रेस के ही पूर्व मुख्यमंत्री कह रहे कि बीजेपी हमारे लोग खरीद रही, मैंने कहा ये कंट्रोवर्शियल बात आप डिसाइड करिए, आखिर आप क्या चाह रहे जी भाई, ये अपनी अपनी बात कहे, मैं दोबारा फिर दोहराना चाहता हूँ, बीजेपी न किसी को खरीदती है न बीजेपी उस रास्ते को पसंद करती है, है। हमारी लाइन हम अपने स्पष्ट करें, कांग्रेस अपनी एकजुटता कुनबा रखे, कांग्रेस अपना क्यों कुनबा इकट्ठा नहीं कर पा रहे, क्यों उनके ऐसे कंट्रोवर्शियल बात आ रही, क्यों मंत्री अधिकारियों पर आरोप लगा रहा है, क्यों मंत्री से लड़ रहे हैं, क्यों मंत्री उमंग सिंघार खुले होकर दिग्विजय सिंह के खिलाफ बोल रहे हैं, ये मैंने नहीं बोला, ये पब्लिकली प्रेस में आप लोगों ने दिखाया, चलिए ठीक है, लेकिन अच्छा लगा मुझे आप दोनों खूब लड़ भी लिए, बाद में देखिए एक दूसरे को पानी पिला रहे, तो यही खासियत होती है, यही राजनीति होती है कि जब बात होती है तो और मुस्कुरा के जाइएगा यहाँ से, जोड़ दूं जी, कहिए शहरयार जी, ये यादव जी जो बात बोल रहे हैं तो इनके दो विधायकों ने कमलनाथ सरकार का 20 सदन में आके समर्थन करा है, और उन्होंने बाद में आके दोबारा बोला, फिर बाद में दोबारा आके फिर मौजूद था, फिर दोबारा आके कांग्रेस कार्यालय में उन्होंने फिर एक मिनट मोहन जी आप सुन लीजिए, नहीं फिर कांग्रेस कार्यालय में आके उन्होंने अपना समर्थन जताया, सवा साल में कौन सा कांग्रेस विधायक आपके टच में आ गया दोबारा बता दीजिए, चलिए आप मैं मनोज बात बताऊं, दोनों के विधायक की बात चली थी, इनने तो कहा तो कांग्रेस में आकर सदस्यता दे दी क्या इनने, नहीं क्यों विषय पर जब बीजेपी ने पूरा समर्थन करा विधायक का रूप से इनने झूठ परोसा था कि हमारे पास आ गए, हमने सबने समर्थन किया, अभी ना बताओ ना, अभी अभी वित्त विधेयक हमारा बताओ ना मनोज जी, मैं खुली चेतावनी दे रहा हूं, बताओ ना क्या दिक्कत, आप वित्त विधेयक से वोट करा लीजिए, अरे सब आ ही रहा, विधानसभा का सत्र आ ही रहा, विधानसभा का सत्र फिर अभी सामने आते हैं, वहां से भागने का काम करते हो, मेरे भी आप देखिए ना, आप वहां से भागने का, चलिए आप फिर वही जाइए, आप मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े शहरयार जी, आप मेरे साथ जुड़े पाठक जी, पाठक जी कुछ कह लेने दीजिए कुछ, चलिए पाठक जी आप कुछ कहिए,
सदन आ रहा है ना, सदन का सत्र शुरू हो रहा है, वहाँ देखने को मिल जाएगा सदन के सत्र में देख। चलिए पाठक जी का एक सब, आप दोनों आप शांति बनाइए। पाठक जी अपने आपके आपके बाजू में वरिष्ठ पत्रकार भी बैठे, वरिष्ठ पत्रकार भी बैठे, हो गया। चलिए चलिए हो गया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए पाठक जी क्या कह रहे हैं आप, कह दीजिए एक लाइन जी। आपने मुझे डिबेट करने के लिए बुलाया था, काय के लिए बुलाया मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। नहीं नहीं आप कहिए ना, आपकी बात मौका दे रहा हूँ। अब सवाल ये है कि जब सत्ता अब आप शहर यार जी, अब आप शांत हो जाए एक मिनट। हाँ, आप सरकार में हो तो कम से कम सरकार की गरिमा भी तो आप। चलिए कहिए कही, एक मिनट जी, सब जगह मोर्चा खोलना उचित नहीं है, आप सबके खिलाफ मोर्चा। नहीं नहीं नहीं, आपने बहुत शहर यार जी, आपने बहुत बोल लिया। अभी एक मिनट उनको बोलने दीजिए, वरिष्ठ पत्रकार आया हूँ, कुछ मुझे भी उनकी वरिष्ठता का ख्याल रखिए। गलत तरीका, वरिष्ठता का ख्याल रखिए, ये गलत तरीका है, वरिष्ठता का ख्याल है। बोलिए आप कम से कम सबको एक ही लाठी से मत हाकिए। आप बोलिए, आप बोलिए, राजनीतिक प्रतिनिधित्व, अरे आप बोलिए, विवाद होते हैं। पाठक जी बोलिए बोलिए बोलिए, नहीं टाइम खत्म किया, नहीं तो नहीं बोलता। अरे बोलिए, मैं आपसे बोल रहा हूँ ना, मैं बोल रहा हूँ ना आपसे, आप बोलिए। मनोज जी अगर इस तरह से डिबेट, मैं आपसे बोल रहा हूँ, बोलिए ना आप। अगर सत्ता पक्ष इस प्रकार से दबाव, चलिए शहरयार जी एक मिनट बोलिए, आप बोलिए, आप शांत तो होइए, आप बोलिए बोलिए, कुछ तो सोचने। शहरयार जी एक मिनट बोलिए बोलिए, कहिए। मैं कह रहा हूँ कि सवाल ये है कि जो प्रदेश की जो समस्याएं हैं, अगर हम उनको फोकस नहीं करते हैं और हम जो सूत में कपास और जुलाव में लठा लठी, वो लोग जो है आपस में मीडिया के लोग जो है बयान लेने पहुंच जाते हैं और वहां पर जो है नेता जो है वो कुछ भी मजाक करते हैं और इस प्रकार के बयान दे देते हैं और उसको इतनी गंभीरता से लिया जाता है, मैं सोचता हूँ ये तो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, विषय गंभीर था। चलिए आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। पाठक जी मेरे साथ जुड़े, मौनी यादव जी मेरे साथ जुड़े और शहरयार जी मेरे साथ जुड़े। लेकिन मध्य प्रदेश में एक बार फिर राजनीति गरमाई हुई है और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में प्रदेश की गर्माहट भी बढ़ने वाली, मानसून भी बदलने वाला है, मौसम भी बदलने वाला है। लेकिन मौसम से पहले जिस तरह की राजनीति दिग्विजय सिंह जी ने आज गंभीर आरोप लगाए हैं और जैसा हम कह रहे हैं लगातार कि दिग्विजय सिंह जब कोई बात रखते हैं तो उनके पास सबूत और साक्ष्य दोनों होते हैं, उसी के आधार पर कोई बात कही गई होगी। लेकिन उनके बयान के बाद से राजनीति में हलचल है, बीजेपी अपने बचाव में लगी है, बीजेपी का ये कहना है, तमाम सारे नेता भी सामने आए। लेकिन सच्चाई क्या है आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा, क्योंकि राज्यसभा के चुनाव भी होना है और विधानसभा का सत्र भी। आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।